हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी YouTube चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। अगर दोस्तों आप अमेजोन के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अमेजोन पे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अमेजोन चेंज करने जा रहा है अपनी रिटर्न पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, और ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 10 नवंबर 2022 से। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको फायदा होगा या नुकसान, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अनडिलीवर्ड, कस्टमर रिजेक्ट, कस्टमर रिटर्न, कस्टमर रिप्लेसमेंट जितने भी ऑर्डर रहेंगे उसकी पॉलिसी में चेंजेस होने जा रहे हैं, और ये इफेक्टिव होगा 10 नवंबर 2022 से। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, हम टेबल वाइज वन बाय वन आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो भी अनडिलीवर्ड एंड कस्टमर रिजेक्ट है उनके बारे में हम बताएंगे। तो फेज टाइप यहाँ पे दी गई, जो भी ऑर्डर आपको न्यू रिसीव होता है उसके बाद डिस्पैच होने के बाद जो भी फीस लगती है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे लिखा है रेफरल फीस, यानी कि आपको पता ही है कमीशन। उसके बाद फिक्स क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस एंड पिक एंड पैक फीस, टेक्नोलॉजी फीस। अभी करेंट रेट्स के मुताबिक सेलर्स आर रिमबर्स्ड 100% फीस, विच इज चार्ज। जो भी आपको चार्ज लगे होते हैं अनडिलीवर्ड में, वो सारे के सारे आपको वेव ऑफ करता है अमेजोन। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी फीस चार्ज नहीं करेगा। तो सेम अभी नए रेट्स में क्या होगा, यहाँ पे भी 100% ही चार्ज, जो भी चार्ज लगा होगा वो वेव ऑफ तो करेगा, प्लस जो ये आपको टेक्नोलॉजी फीस पहले आपको चार्ज नहीं कर, मतलब चार्ज करता था लेकिन रिमबर्समेंट नहीं करता था, वो अब ये भी करेगा, यानी कि आपको बेनिफिट होगा अनडिलीवर्ड ऑर्डर में। उसी के साथ ये जो कस्टमर रिजेक्ट है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो पहले मतलब कि अभी करेंट रेट के मुताबिक सेलर्स आर रिमबर्स 100% फीस विच इज चार्ज, मतलब कि ये जो दोनों चार्ज लगे, यानी कि रेफरल फीस एंड फिक्स क्लोजिंग फीस, अगर कोई कस्टमर रिजेक्ट करता है तो ये दोनों आपको चार्ज वेव ऑफ करेगा अमेजोन। और उसके बाद सेलर्स आर रिमबर्स फॉर यूनिट वेरी सेलर्स रिजेक्ट रेट इज अबोव 8%, वेट हैंडलिंग फीस एंड पिक एंड पैक फीस तभी आपको रिमबर्स करेगा जब आपका कस्टमर रिजेक्ट रेट 8% से अबोव होगा। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी फीस, यहाँ पे टेक्नोलॉजी फीस भी आपको रिमबर्स नहीं करेगा। तो नए रेट्स में क्या होगा कि जितनी भी सारी फीस है ना, वो सारी की सारी आपको रिमबर्समेंट कर देगा, यानी कि अनडिलीवर्ड एंड कस्टमर रिजेक्ट में आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम टेबल नंबर 2 पे जाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न पॉलिसी has been revised, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फीस के टाइप्स दिए गए हैं, रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग, वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक फीस, टेक्नोलॉजी फीस, रिटर्न फीस। या दोस्तों ये करेंट रेट है, सेलर्स आर रिमबर्स 100% फीस विच इज चार्ज। जो भी आपको चार्ज लगे होंगे कस्टमर रिटर्न में जो अभी तक देते आ रहा है, वो 100% रिमबर्स। कोई भी अगर कस्टमर आपको रिटर्न करता है, प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के बाद रिटर्न करता है, तो जो भी अमेजोन ने ये चार्ज किया होता है ना, कमीशन और फिक्स क्लोजिंग फीस, तो वो आपको रिमबर्स कर देगा। उसके बाद उसकी जो वेट हैंडलिंग फी, यानी कि कुरियर चार्जेस लगे होंगे और पिक एंड पैक फीस लगी होगी अगर वेयरहाउस में है, तो वो आपको रिमबर्समेंट नहीं करेगा। उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी फीस भी होगी वो भी नहीं कर रहा है अभी तक। और रिटर्न फीस, सेलर्स आर चार्ज 20% ऑफ रेफरल फीस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹300। सपोज मान लो कि आपका प्रोडक्ट है 499 आप सेल कर रहे हो, तो उसका 20% हो जाएगा ₹99। तो वो आपको अभी ये चार्ज करते आ रहा है, मतलब कि ये जो पॉलिसी इसके हिसाब से अभी तक आप चार्ज देते आ रहे हो, उसमें नया क्या है। नए रेट्स में सेलर ये भी सेम है, रेफरल फीस एंड फिक्स क्लोजिंग फीस, सेलर विल बी रिमबर्स 100% फीस विच इज चार्ज। जो भी आपने कमीशन लिया होगा, फिक्स क्लोजिंग फीस दी होगी, वो आपको रिमबर्स की जाएगी। उसके बाद जो वेट हैंडलिंग फीस हो थी वो भी यहाँ पे जो पहले थी करंट, वो भी सेम ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। प्लस लेकिन यहाँ पे एक नया अपडेट है, सेलर विल बी चार्ज फ्लैट इंडियन रुपीज बेस्ड ऑन रिटर्न आइटम प्राइस, प्लीज रिफर टू टेबल ए बिलो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, 20% ऑफ रेफरल, जो भी कमीशन होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मैं 499 में सेल करता हूँ, उसका 20% हो गया है ₹99, तो उसका
ये चार्ज करेगा रिटर्न चार्ज 99 रुपीज, इसने चार्ज कर दिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर विल बी चार्ज फ्रेट इंडियन रुपीज बेस्ड ऑन रिटर्न आइटम प्राइस। जो भी ये टेबल है, मतलब कि ये टेबल दिया गया है, तो ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनका प्राइस 0 से लेकर 250 के अंदर है, तो उसको रिटर्न फीस बहुत ही कम देनी पड़ेगी। जो पहले कितना 99 रुपीज, या फिर मान लो कि उसका प्रोडक्ट 499 में बिक रहा है, मैंने 499 के आपको एग्जाम्पल बताया, तो उसको 99 रुपीज देने पड़ रहे थे पहले, जो अभी देने पड़ेंगे ओनली 50 रुपीज। तो ये एक बेनिफिट है, चेंजेस हुआ है। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं मेरा प्रोडक्ट अगर 899 या 999 में बेचूँ, तो आप भी उसका 20% कर दीजिए, तो भी यहाँ पे मेरे 200 रुपये लग जाते हैं, तो वहाँ पे आप मुझे कितना लगेगा, 75। तो ये भी आपके लिए एक फायदा है और आपका बिजनेस बढ़ाने में हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम टेबल नंबर 3 पे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टेबल नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा है टेबल नंबर 3 में है कस्टमर रिप्लेसमेंट, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे फीस दिखाई दे रही है आपको, रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पे फीस, टेक्नोलॉजी फीस एंड रिटर्न फीस, तो करेंट रेट है सेलर्स आर चार्ज फॉर फॉरवर्ड लेग। जो भी आपको फॉरवर्ड की यानी कि भेजने के जो भी चार्ज लगे हैं वो तो आपको लगेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, करेंट रेट के हिसाब से वो तो लग ही रहे हैं। उसके बाद तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं थर्ड टेबल पे, कस्टमर रिप्लेसमेंट। तो चलिए दोस्तों, इसको भी बारीकी से समझ लेते हैं। फीस टाइप है रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक फीस, टेक्नोलॉजी फीस एंड रिटर्न फीस। तो ये जो करेंट रेट है सेलर्स आर चार्ज फॉर फॉरवर्ड लेग, जो जब भी आप कोई ऑर्डर भेजते हो तो जो फर्स्ट टाइम जितना भी चार्ज लगा है वो तो आपको लगेगा एज पर करंट पॉलिसी। उसके बाद सेलर्स आर नॉट चार्ज, रिटर्न फी आपको चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि वो रिप्लेसमेंट का है ऑर्डर, इसलिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यू में क्या चेंजेस हो रहे हैं, न्यू रेट्स क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर विल बी चार्ज फॉर फॉरवर्ड लेग, यानी सेलर को चार्ज करने पड़ेंगे रेफरल फीस एंड फिक्स क्लोजिंग फीस, जो यहाँ पे भी था, है ना। तो यहाँ इन दोनों में तो सेम ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे लिखा गया कि सेलर्स विल बी चार्ज फॉर फॉरवर्ड एंड रिप्लेसमेंट लेग, यानी कि यहाँ पे डबल चार्जेस आपको लगेंगे। कौन से डबल लगेंगे, वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक फीस एंड टेक्नोलॉजी फीस। यानी कि मान लो कि यहाँ पे जब भी आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर सेंड किया, तो उसका जो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 160 या 170 रुपीज़ आपने चार्ज दिया भेजने का, सारे ये तीनों चीज़ें मिला के मैं इतना अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एक ही फीस बोल रहा हूँ GST के साथ, है ना। तो इतना आपको वन टाइम में लगाया, तो वही रिप्लेसमेंट में भी लगने वाला है, यानी कि क्योंकि वो दूसरा जो प्रोडक्ट है ना वो भी वो लेके जाएगा, और जो पहले दिया वो भी लेके आएगा, मतलब कि दो बार आना जाना होगा, जिसके कारण क्या होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स शिपिंग दोनों मर्ज हो जाएंगे, यानी कि आपको रिटर्न चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो कस्टमर रिप्लेसमेंट ऑर्डर कम हो इसलिए आप एक्यूरेट साइज भेजिएगा तभी ये, और एक्यूरेट प्रोडक्ट जो ऑर्डर कस्टमर ने किया है वही भेजिएगा, तो ही आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम है, अदरवाइज लॉस हो सकता है। उसके बाद आ जाता है सेलर विल नॉट बी चार्ज, यहाँ पे भी सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस फीस में काफ़ी बदलाव अच्छे किए गए और सेलर्स के लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों आपको ये अभी तक के फीस के रेट अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।